हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जियो के कस्टमर आईडी से हम किस तरह बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जियो सर्विस से हम किस तरह बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएँ। हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको इसी तरह वीडियो की मिलती रहे। तो दोस्तों, बेल का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पे हमको दोस्तों गूगल में सर्च करना है। यहाँ पे आप गूगल में देखेंगे जियो कस्टमर नंबर, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा नीचे। उसके ऊपर आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको गूगल आपको यहाँ पे सर्च करके बता देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। जिस तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से आपके सामने इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जियो सर्विस की तरफ से आपको ये नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जियो सर्विस की तरफ से आपको ये नंबर आपके सामने ये दिख रहा होगा आपके सामने। और ये जियो का नंबर है दोस्तों, जियो सर्विस कस्टमर केयर का से आप यहां से बात कर सकते हैं। आसानी के साथ यहां से आप बात कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको नीचे जाने के बाद आपको और भी नंबर आपको दिखेंगे। आप अगर नीचे जाएंगे यहां पे सर्च के बाद तो आपको और से भी, ये देखिए दोस्तों, यहां पे आपको भी और भी नंबर आपको नीचे मिलेंगे। तो आप नीचे भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको यहां से भी और ऊपर से भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, अगर ये नंबर पे ऊपर, ये नंबर के ऊपर मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूं। तो चलिए, ये नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सिम यूज करते हैं। तो आप कौन से सिम यूज करते हैं, सिम 1 या सिम 2, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, और यहाँ से आप कॉल लगा सकते हैं।